इस फिल्म के प्रायोजक हैं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रस्तुतकर्ता हैं विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय। भारत के हस्तशिल्प हाथ की कढ़ाई। रंगीन धागों से बने ये विस्मयकारी डिजाइन एक साधारण से वस्त्र को भी भारतीय परिधानों की अमित छाप वाली एक निराली पोशाक में बदल देते हैं। हाथ की कढ़ाई भारत की ऐसी पुरातन कला है जिसमें हर क्षेत्र का अपना अप्रतिम अंदाज झलकता है और जो सामान्य वस्त्रों को भी जादुई रूप दे देता है। फुलकारी, पंजाब, एक प्रांत जो अद्भुत वस्त्र कढ़ाई परंपरा की स्थली रहा है जिसे फुलकारी कहा जाता है और जिसका अर्थ है फूलों की रचना। फुलकारी पंजाब की सांस्कृतिक विरासत की निशानी है और इसकी समृद्धि और वैभव की परिचायक है। हमारे जो पंजाब के लोग पाकिस्तान से आए थे ना, मुल्तान से आए हैं, तो मुल्तान का कल्चर है, सिंधी टांका हो गया, क्यों सिंध साथ लगता था, गुजरात साथ लगता था, तो ये हमारे जो टांके हैं ना मिलते जुलते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इनकी चारों की आइटम आप देखोगे तो आपको कोई फर्क नहीं लगेगा फुलकारी और इसमें क्या अंतर है। फुलकारी कढ़ाई का वो रूप है जिसके डिजाइनों को रंगीन व चमकीले धागों से तैयार किया जाता है। आमतौर पर इसे गहरे रंग के सूती या खादी कपड़े पर रचा जाता है और कपड़े की उल्टी तरफ से विभिन्न रंगों द्वारा फूल पत्तों के डिजाइनों से पूर्णतया ढक दिया जाता है। यही फुलकारी की पारंपरिक कढ़ाई है। जो हमारा फुलकारी का जो कढ़ाई है वो हमारे पंजाबी विरसे से बहुत संबंध रखती है और बहुत इसमें 52 तरह के बाग होते हैं। कई बाग जो हैं वो लड़कियों को दहेज में दिए जाते थे। फुलकारी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई जब महिलाओं द्वारा फूल पत्तों वाली ओढ़नियों और दुपट्टों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वस्त्र सिल्क के रेशों से कारीगर अपने हाथों से बुनते और रंगते थे। फुलकारी सिख धर्म की सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ी है और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को इससे ढका जाता है। फुलकारी वैसे तो वैसे कढ़ने लिए बहुत वधिया लगती है, जदों भरी होंगी इन्नी वधिया लगती है कि दिल करता होर कढ़ीए होर कढ़ीए। बहुत दिलचस्पी मतलब हैगी है मैनू फुलकारी कढ़न विच। आजकल फुलकारी के विविध उपयोग देखने को मिलते हैं। ये बटुओं, फाइल फोल्डर्स, थैलों तथा अन्य उपयोगी सामान के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और इस प्रकार अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करती है। आज ये पंजाब की महिला शिल्पकारों के सशक्तिकरण का आधार भी बनी हुई है। हमारा फुलकारी का जो प्रोडक्ट है, जो फुलकारी बनाते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये बिना ड्राइंग के इसकी एम्ब्रॉयडरी होती है, बिना ड्राइंग के एम्ब्रॉयडरी करती है। तो जो लेडीज़ वगैरह काम करती हैं इसको काफ़ी 15-20 दिन लग जाते हैं एक फुलकारी को वर्क करने के लिए। तो ये 200 साल पुराना जो फुलकारी का है, फुलकारी 200 साल पुराना है ये काम। विश्व के बाजारों में फुलकारी की बहुत मांग है, खासतौर पर मलेशिया, चीन और बहरीन आदि देशों में। जरदोजी, राजसी आनबान वाली जरदोजी कढ़ाई की शुरुआत 12वीं शताब्दी में भारत के सल्तनत साम्राज्यों से हुई और सदियों तक लोकप्रिय रही। दुनिया के कई देशों में सराही गई जरदोजी में
सोने व चांदी के धागों यानी कला बतून का इस्तेमाल होता है। इससे सजी डिजाइनदार पोशाकें शादियों व अन्य उत्सवों का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। मुगल कालीन कला परंपरा को बयान करने वाला जरी शिल्प जब सिल्क के वस्त्रों पर सितारों, कौड़ियों, रत्नों और बिल्लौरों के साथ झलकता है तो पोशाकें और भी वैभवपूर्ण और विशिष्ट प्रतीत होती हैं। अभी कुछ समय से भारतीय फैशन उद्योग ने भी विभिन्न परिधानों में जरदोजी को रचा और इस प्रतिष्ठित शिल्प की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। जरदोजी में लगने वाले महंगे कच्चे माल और गहन श्रम के कारण इसे विशिष्ट वर्ग के उपयुक्त ही माना जाता रहा है। एक छोटी सी जरदोजी रचना में ही 10 से 15 दिन का समय लग जाता है, इसलिए ये बहुत कीमती होती है। हालांकि बदलते समय के साथ कला बतून में अब सोने व चांदी के धागों की जगह पीतल व तांबे के धागे इस्तेमाल होने लगे हैं। पिछले कुछ समय से हैदराबाद जरदोजी कारीगरी के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। हालांकि आगरा, लखनऊ, बरेली और रामपुर के शिल्पकार भी कशीदाकारी की इस श्रेष्ठ कला के पुनः प्रचलन में लगे हुए हैं। इस कला को तो हम बाहर दिखाना चाहते हैं और अपनी कला को हम बाहर निकालना चाहते हैं, इनको दिखाना चाहते हैं कि ये भी हमारी ये कला है, घर हाथ की बनी हुई, कि ये देखो हमने कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बनाई है कला, इस बारे में आप सोचिए और देखिए। कच्छी हाथ की कढ़ाई। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रेगिस्तान, जिनके प्राकृतिक सौंदर्य में रंग बिरंगे डिजाइनों और दमकते शीशों में सजे घाघरा चोले, रंगीन और विस्मयकारी हाथ की कढ़ाई वाली सजीली पोशाकों का सौंदर्य भी झलकता है। यहाँ के उत्सवों और विवाह समारोहों की पारंपरिक और अनिवार्य पोशाक हैं। काले साटन पर खूबसूरती से उकेरी गई काठियावाड़ी हाथ की कढ़ाई के डिजाइनों में प्रेम और प्रकृति के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिन्हें अब आधुनिक फैशन डिजाइनर भी अपनाने लगे हैं। द्वार सज्जा के लिए काम में आने वाली रंग बिरंगी और आकर्षक तोरण को घर की समृद्धि और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। कच्ची कढ़ाई से बने अन्य मनमोहक उत्पादों में उपयोगी वस्तुओं और घर के सजावटी सामान से लेकर फैशन सामग्री तक शामिल है, जिसने आज दुनिया भर के हस्तशिल्प में अपना गौरवशाली स्थान बना लिया है। कच्छ और काठियावाड़ के लोगों और गुजरात के शिल्पकारों के लिए हाथ की कढ़ाई जीविकोपार्जन का एक उत्तम साधन ही नहीं, बल्कि वहाँ की ग्रामीण महिलाओं के लिए तो ये खास तौर पर सांस्कृतिक लोकाचार और लोक शैली का अनिवार्य अंग भी है। बेड कवर्स, वॉल हैंगिंग्स, कुशन्स कवर हैंगे, गुजरात का है, राजकोट से है, ये घर में लेडीज बनाती है और फिर हैंडमेड करती है घर में ही सारी लेडीज। चिकनकारी। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ नगरी नवाबी संस्कृति की अपनी परंपराओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। शायरी और संगीत के अलावा इनमें शामिल है सजीला हस्तशिल्प। इनमें से सबसे अनोखी हाथ की कढ़ाई का शिल्प है चिकनकारी। इस खूबसूरत कला में सुई और सफेद धागे से सूती, जॉर्जेट या शिफॉन के कपड़े के उल्टी तरफ कढ़ाई की जाती है, जिससे झलक उठता है कलात्मकता का महीन आकर्षण और खेल उठते हैं नवाबी चमक दमक के रंग। ये पारंपरिक फारसी कला मुगलों के साथ भारत में आई, तब मुस्लिम वेशभूषा में इसका उपयोग होता था। अपने मनोहर और काव्यात्मक आकर्षण के कारण आज चिकनकारी से सजे वस्त्रों की देश विदेश के बाजारों में बहुत मांग है। चिकनकारी हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं है, बल्कि भारत में शिल्पकारों के सबसे बड़े समूह यानी 2 लाख से अधिक शिल्पकारों की कमाई का जरिया भी है। कशीदाकारी। कशीदाकारी कश्मीर की खूबसूरत हाथ की कढ़ाई का एक रूप है, जो कश्मीर की तरह ही खूबसूरत और आकर्षक है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती से प्रेरणा पाकर ही कशीदाकारी में बेल बूटों, फूलों और चिनार के पत्तों के नमूने काढ़े जाते हैं। कशीदाकारी आमतौर पर सूती
और ऊनी कपड़ों पर की जाती है। इसमें सुई से शॉलों और ओढ़नियों पर रंग बिरंगे टाकों का एक संसार रचा जाता है, जो इतना मन भावन बन पड़ता है कि देश विदेश के बाजारों में ये वस्त्र हाथों हाथ बिक जाते हैं। I am here to buy the sarees. This is wonderful. I love the colors. They are different. Every time I come to India, I always come to Delhi Haat to shop. It has like the tradition, it has the culture. It's beautiful. हस्तशिल्प का सम्मान, हस्तशिल्पकारों का कल्याण।